ये ग्लोरी प्रो है और इसके अंदर जो है हमारा इग्निशन ऑन करने के ऊपर जो है एयर बैग जो ABS यूनिट है उसको वोल्टेज नहीं है। और ओके वाइल इंस्पेक्शन हमने जब इस पर इसके कनेक्टर को जब हमने यहाँ टेस्ट लैंप जब हमने चेक किया टेस्ट लैंप पे ये पॉजिटिव वोल्टेज है या नेगेटिव। यहाँ पर जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे पॉजिटिव वोल्टेज मिलने चाहिए। ये देखेंगे बल्ब ऑन नहीं हो रहा, जबकि ये वाला एसेसरी का वोल्टेज है, यानी कि स्विच ऑफ भी होगा तब भी यहाँ वोल्टेज आएंगे। ये ऑन हो गया यानी यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आ रहे, तो जिसकी वजह से ये हमारा ये ABS का जो यूनिट है इसका ECU एक्टिवेट नहीं हो रहा। यानी इस कनेक्टर के ऊपर हमें दो पॉजिटिव आने चाहिए और इसके साइड वाले एरियाज पर दो ग्राउंड मिलने चाहिए। हम अगर ये सारे ग्राउंड चेक कर लेंगे तो हमारा ECU प्रॉपर ऑन होना चाहिए। ये इसके DTC से और फर्दर जो ECU कनेक्ट नहीं हो रहे थे। डुप्लीकेट करने के लिए मैंने इसकी वायरिंग को डायरेक्ट बाईपास की है। और ये देखें जैसे पहले वाली वीडियो में लाइट्स जो थी वो मल्टीपल ABS की ऑन हुई थी, इसमें ऑन नहीं हुई हुई। फर्दर मैंने यहाँ से इसको एक वायरिंग दी है, यहाँ से एक वायर दिया है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मिसिंग था ये वायर ग्रीन वाला जा रहा है, और ये वायर को प्रॉपर मैंने करके इस फ्यूज से दे दिया। चूँकि यानी ये एक तरीके से एक वायर बाईपास हुआ है जो कि मेन फ्यूज से हमारे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल को जा रहा है, और यही हमारा जो एयरबैग का ECU को वेकअप करेगा यानी जगाएगा, उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा।